सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज यार, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की गेम में आ चुका है एक बिल्कुल ही नया इवेंट जिसका नाम है गाइज कस्टमाइज योर वैल्यू पैक। सो गाइज यार, यहाँ पे आप सभी जैसे इंटर करते हो तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि मेरा गाइज आया है 299 का डिस्काउंट। तो गाइज यार, मैं आप सभी को लास्ट में बताऊंगा कि आप सभी को 299 का डिस्काउंट कैसे मिलेगा। यहाँ पे आप सभी को तीन डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, आप सभी का है 299, 399 एंड उसके बाद है गाइज आप सभी का 499। सो गाइज यार, आप सभी को सिंपली बस कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस इवेंट के बारे में बताऊंगा कि आप इस इवेंट में से सबसे रेयर रेयर आइटम कौन सा जो आप सभी निकाल सकते हो। तो गाइस, सबसे पहला तो रेयर आइटम है गाइस इलाइट पास, वो ले लेना। उसके बाद गाइस यार, यहाँ पे आप लोग स्पिरिट फॉक्स ले सकते हो, क्योंकि गाइस यार ये आप सभी को, अगर आप सबके पास है तो आप लोग कुछ और ले सकते हो, नहीं तो ये है। देन इसके बाद गाइस आप सभी यहाँ से एक इमोट वगैरह ले सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे मेन बात आती है कि आप यहाँ पे क्या चीज़ देते हो, क्योंकि मेन सभी चीज़ें यहीं पे आती है, ठीक है। सो गाइस यार, यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले मैं नीचे ऊपर के तीन ग्रेनेड के स्किन जो कि बहुत ज़्यादा लेजेंडरी और बहुत ज़्यादा पुराने स्किन्स हैं। तो गाइस यार, फेदर बॉम्ब जो कि मतलब आप सभी को बता दो तो वो बहुत दूर तक नहीं जाता है, वो शॉर्ट रेंज में फट जाता है, मतलब एक तरीके से बहुत ही हैवी ग्रेनेड है। मतलब आप उसे फेंकोगे तो आप सभी को खुद पता चल जाएगा कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, मतलब आप सभी फेंकोगे तो पास ही में मतलब वो रह जाता है। एंड मेली कोलैग जो कि है नंबर दो पे, वो भी आप सभी को थोड़ा है लेकिन उसका डैमेज कम पड़ता है, ठीक है। और सबसे लेजेंडरी मस्त है आइस बॉम्ब जो कि आप सभी निकाल सकते हो, ठीक है, वो सबसे मस्त है। एंड गाइस, अभी आते हैं यहाँ पे हम सभी पांचवे पे, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो डेथ राइड वाला जो सबबोर्ड की स्किन है वो आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि वेस्टलैंड वाला जो पैरासूट है वो उतना मतलब नहीं देता है, एंड ब्लड रैगिंग वाला भी कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग डेथ राइड वाला सबबोर्ड निकाल सकते हो, नहीं तो आप लोग वैम्परिक वाला लूट बॉक्स भी निकाल सकते हो, ये भी बहुत मस्त लूट बॉक्स है, ठीक है। एंड लास्ट में लास्ट में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि गाइस यार, आप सभी का 299 वाला स्पिन कैसे आएगा, आप लोगों का डायमंड्स वगैरह कैसे बचेंगे। सो आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को तीन कार्ड्स दिए जाएंगे, तो आप लोगों को सिंपली मिडल वाला जो बीच वाला है उसे सिलेक्ट करना है। सो गाइस यार, आप सभी का 299 वाला निकलेगा। एंड गाइस यार, ये मैं 100% श्योर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गाइस मैंने अपने भी कुछ आईडीज में किया और मेरे दोस्त वगैरह ने मतलब उन लोगों ने भी स्पिन किया था और उन सब ने बीच वाले पे किया और उन सबको 299 वाला स्पिन दिया है। तो आप लोग भी चाहो तो बीच वाले पे सिलेक्ट कार्ड करके कर सकते हो, आप सभी का 299 निकल जाएगा। एंड गाइस यार, बहुत लोगों का ये भी है कि उन लोगों का पहले में निकल रहा है, तो गाइस यार पहले में भी निकल रहा है, लेकिन गाइस मेरे तो हर बार में मैंने जितने बार किया बीच में किया और सब में गाइस मुझे बीच वाले में 299 का स्पिन दे दिया है। सो गाइस यार, आप सभी देख सकते हो 299 आप सभी को मिल जाएगा बहुत ही सारा लेजेंडरी आइटम्स, तो आप लोग जाके वहां से आप लोग निकाल सकते हो। सो गाइस यार, आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहले पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।